नमस्ते सत श्री अकाल सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री आप सबकी श्री आज फिर से एक नए रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विश्री ट्रिपल वन में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहेंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, आज फिर से लेके आई हूँ मैं आप सबके लिए जोडियक साइन की सीरीज। आप लोगों के लिए क्या कुछ एक्सपेक्टेड है हाफ ऑफ द मंथ सितंबर में, 16 सितंबर टू 30 सितंबर, क्या आपके पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में एक्सपेक्टेड है, हम ये चेक करेंगे। धीरे धीरे मैं वीडियो पोस्ट करूंगी, आपको पेशेंस रखना होगा, प्लीज पेशेंस रखें। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स हेलो टू माय कैंसर्स, कर्क राशि, सन मून राइजिंग। अगर आपकी कर्क राशि है तो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। हम चेक कर रहे हैं 16 सितंबर टू 30 सितंबर आपकी पर्सनल लाइफ में, ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, कौन से न्यू डोर्स ओपन हो रहे हैं इस टाइम का, क्या आउटकम आप रिसीव करोगे। सो पहले हम चेक करेंगे आपकी पर्सनल लाइफ को, जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं उनके साथ, ठीक है। तो एंड प्लीज गाइड मेरे कर्क राशि वाले व्यूअर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स और एक्शन क्या रहेंगे 16 सितंबर 30 सितंबर। डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज, वन मोर टाइम प्लीज। दो कार्ड्स आ गए हैं, ओके। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे कर्क राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स उनके पार्टनर्स के लिए क्या रहेंगे। डिवाइन मेरे कर्क राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स और एक्शन उनके पार्टनर के टुवर्ड्स क्या रहेंगे। वन मोर टाइम प्लीज, दोनों को ही सक्सेस चाहिए, लेकिन आपकी सक्सेस इस रिश्ते से है और इस इंसान का जो सक्सेस है वो ओवरऑल लाइफ के लिए है, ठीक है। द फूल, ओके एक मिनट, आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। जेमिनी बहुत स्ट्रांग दिख रहा है मुझे यहाँ पे, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस और एरीज बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, ठीक है। एक मिनट, मैं क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लेरिफाई करना चाहती हूँ। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स इसलिए क्योंकि ये कार्ड खुद से आया था और क्या एनर्जी है देखिए, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ क्यों है डिवाइन फीलिंग्स में, प्लीज क्लेरिफाई क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, वन मोर टाइम प्लीज। द हैंग्ड मैन, किंग ऑफ कप्स, ओके, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है ओवरऑल की। देखिए ये इंसान, इनके मन में फीलिंग्स आपके लिए ज़रूर रहेगी और अपने ओवरऑल लाइफ में ये इंसान इस टाइम पे सक्सेस चाहेंगे, अपने करियर, बिजनेस, फाइनेंस में, अपने यू नो अपने ओवरऑल लाइफ में ये इंसान सक्सेस चाहते हैं, कुछ एक्शन लेना चाहते हैं अपने सक्सेस के टुवर्ड्स, ऐसी एनर्जी इनकी रहेगी ओवरऑल लाइफ के लिए। आपके लिए फीलिंग्स क्या रहेगी, इनकी फीलिंग्स बहुत रहेगी इनके मन में, ये आपको एक ऑफ़र देना ज़रूर चाहेंगे लेकिन ईगो में है ये इंसान, ठीक है। ऑफ़र देते मुझे नहीं दिख रहे हैं क्योंकि ये वेट कर रहे हैं आपका कि आप इनको ऑफ़र करोगे, आप सामने से कॉन्टैक्ट इनिशिएट करोगे, ऐसे एक एनर्जी में दिख रहे हैं इंसान, स्टक हैं, रुके हैं, वेट कर रहे हैं, चीज़ों को अलग नज़रिए से देखने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिकल बिहेव करेंगे,
बिहेव सिर्फ करेंगे, इनके अंदर लेकिन अलग इमोशन है, ठीक है। इमोशनल है ये इंसान, इस टाइम पे बहुत इमोशनल रहेंगे और अपने प्यार को छुपाएंगे। तो बहुत फीलिंग्स होने के बावजूद भी ये इंसान एक्सप्रेस करते मुझे नहीं दिख रहे हैं इस टाइम पे, और एक स्टक फील करेंगे खुद को, जैसे फंसे हुए हैं, ना मूव ऑन कर पा रहे हैं, ना एक्शन ले पा रहे हैं, ऐसी एनर्जी रहेगी इनकी। आपसे क्या चाहते हैं ये इंसान? आपसे एक डिवाइन लव चाहते हैं, जो कि पहले आप उनको लव केयर जो आप देते थे, आपकी तरफ से जो एनर्जी उनको मिलती थी, पैशनेट एनर्जी, आपसे वो चाहते हैं इंसान, ठीक है। आपसे ये चाहते हैं कि आप इस रिश्ते को समझें, इनिशिएट ले इस रिश्ते में, एफर्ट्स लगाएं, चीज़ों को ठीक करें, और इस कनेक्शन को एक दूसरे नज़रिए से आप देखें। ये इंसान आपसे ये चाहते हैं। इनको ऑफ़र देना एक ऑब्स्टिकल लगेगा इस टाइम पे, मतलब चाहेंगे ऑफ़र देना लेकिन दे नहीं पाएंगे, क्योंकि ओवरऑल एनर्जी इनकी ऑफ़र की है, इक्वालिटी की है। ये इंसान इक्वल गिव एंड टेक करना ज़रूर चाहते हैं, लेकिन खुद से ऑफ़र देना या फिर खुद से इनिशिएट करना नहीं चाहते हैं कॉन्टैक्ट को, ठीक है। सो चाहते ज़रूर हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, इसलिए कार्ड ऑब्स्टिकल में है। एक्शन क्या होगा इनका, आउटकम क्या रिसीव करोगे आप इस इंसान से? थोड़े से इगोइस्टिक, थोड़े से प्रैक्टिकल बिहेव करेंगे, लॉजिकल बिहेव करेंगे, बातचीत होगी भी अगर आपकी, तो भी इंसान जो अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं करेंगे इतने अच्छे से, और अपने फीलिंग्स को हाइड करेंगे इस टाइम पे। हालांकि इनकी जो एनर्जी है वो सिक्स ऑफ पेंटिकल्स की है, इक्वल गिव एंड टेक जरूर चाहते हैं इंसान लेकिन करेंगे नहीं, ठीक है। मे बी आपकी एनर्जी को चेक करेंगे, आपको ऑब्जर्व करेंगे, आप क्या चाहते हो, आप क्या इनिशिएट ले रहे हो, आपके एफर्ट्स क्या हैं इस रिश्ते में, उसके बाद में भी ये इंसान एफर्ट डालेंगे, क्योंकि चाहते ज़रूर हैं अब इक्वल गिव एंड टेक, लेकिन इनकी तरफ से एफर्ट्स नहीं दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। सिर्फ चाहत दिख रही है, एफर्ट्स नहीं है। आपकी जो एनर्जी देख रही हूँ मैं, ओवरऑल लाइफ में आप ग्रो कर रहे हो। मे बी कोई कोर्स आपने ज्वाइन किया है, मे बी कोई स्पेशल प्रैक्टिसेस आपने ज्वाइन की है, मे बी आपने कोई मेडिटेशन का क्लास, मे बी आपने कोई मेडिटेशन का क्लास आप ज्वाइन करोगे इस टाइम पे, कोई योगा क्लास ज्वाइन करोगे, या फिर कुछ ना कुछ ग्रुप ज्वाइन करते, या फिर अपने आप को ग्रो करते आप दिख रहे हो, स्पिरिचुअली आप ग्रो कर रहे हो, ठीक है। ओवरऑल लाइफ की आपकी एनर्जी ऐसी है, अवेयरनेस की तरफ आप बढ़ रहे हो, आप ग्रो कर रहे हो, मतलब आपकी सोल जो है ना वो ग्रो कर रही है, ठीक है। इस इंसान से आप क्या चाहते हो, मतलब फीलिंग्स आपकी क्या है इस रिश्ते में? आप सक्सेस चाहते हो, आप चाहते हो कि एक मूवमेंट आए, एक सक्सेस मिले इस इंसान से, आपको कोई कमिटमेंट, कोई स्टेबिलिटी मिले, आप ये चाहते हो, ऐसी आपकी फीलिंग्स रहेगी इस टाइम पे। इस इंसान से आप क्या चाहते हो, आप चाहते हो कि ये अपनी आंखों की पट्टी खोले और कन्फ्यूजन अपना दूर करे और कोई एक्शन ले, ठीक है। आप इनसे चाहते हो कि और ये इंसान कन्फ्यूज ना रहे इस रिश्ते में, इनको क्लैरिटी मिले, आप ये चाहते हो इनसे। ट्रस्ट इश्यूज़, जो भी आप लोगों के बीच कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी थी ना, वो अब ऑब्स्टिकल लग रही है आपको। अब आप नहीं चाहते हो कोई कॉन्फ्लिक्ट एनर्जी या फिर कोई आर्ग्यूमेंट या ट्रस्ट इश्यूज़ या कुछ भी ऐसा आप नहीं चाहते हो कि एक दूसरे के बीच में आपके जो ऑब्स्टिकल आ रहे हैं ना, आप नहीं चाहते हो वो कोई भी ऑब्स्टिकल, ठीक है। मुझे आप अपने आप प्यार एक्सप्रेस करते दिख रहे हो इस इंसान को, तो आपकी तरफ से एक एक्शन कुछ हो सकता है, या फिर आपको कोई ऐसे जेस्चर हो सकते हैं जिससे कि आप अपने प्यार को एक्सप्रेस करें इस टाइम पे, मुझे ऐसा लग रहा है। किसी स्टेटस के थ्रू या फिर डायरेक्ट मैसेज, ऐसा कुछ दिख रहा है, क्योंकि आप एक न्यू बिगनिंग ज़रूर चाहते हैं इस इंसान के साथ, एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, एक रिस्क लेना चाहते हैं इस इंसान के साथ फिर से रिकनेक्ट करके, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। सो ये है आपकी एनर्जी, जो लोग नो कांटेक्ट में हैं। अब हम चेक करेंगे बाकी के मेरे कर्क राशि के पर्सनल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है इस टाइम। टर्न प्लीज़ गाइड मेरे बाकी के कर्क राशि वाले व्यूवर्स, जो लोग कॉन्टैक्ट में हैं, मैरिड हैं, क्रश के लिए देख रहे हैं, सिंगल्स हैं, उनके और उनके पार्टनर की फीलिंग्स इस टाइम क्या रहेंगी डिवाइन? 16 सितंबर टू 30 सितंबर, प्लीज़ गाइड माई डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। टाइम प्लीज़, ओवरऑल एनर्जी जो है वो एक डिसअपॉइंटमेंट की है, लॉस की है, ठीक है। चलो कॉन्टैक्ट में है, आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं कैप्रिकॉन,
कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस और टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, ठीक है। देखिए मुझे लग रहा है ना कि आपके पार्टनर इस टाइम आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, बहुत ज़्यादा एडिक्टेड रहेंगे इस टाइम पे बहुत ज़्यादा आपसे, और एक अनहेल्दी अटैचमेंट आपसे फील करेंगे वो, ठीक है। दोनों की ही एनर्जी मुझे बहुत पॉजिटिव दिख रही है, एक की एनर्जी मुझे ऐसे दिख रही है कि इस रिश्ते में बहुत एफर्ट्स लगा रहे हैं और अब रुके हैं कि उनको फ्रूटफुल रिजल्ट मिले, ये आपकी एनर्जी हो सकती है। आप इनसे कोई ऑफर चाहते हो, कोई स्टेबिलिटी चाहते हो, कोई कमिटमेंट चाहते हो, जो कि इस टाइम ये इंसान नहीं दे रहे हैं, लेकिन ऑब्सेस्ड बहुत है आपसे, ठीक है। फिजिकल अट्रैक्शन ज़्यादा दिख रहा है मुझे इनके तरफ से, ये आपसे फिजिकली इन्वॉल्व होना चाहेंगे हमेशा, और आप यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन कर सकते हो कमिटमेंट को लेके या फिर स्टेबिलिटी को लेके, और उसमें थोड़े से मतभेद आपके हो सकते हैं आपके पार्टनर के साथ, मुझे ऐसा लग रहा है। सो कहीं ना कहीं आप उनसे कोई ऑफर चाहेंगे जो कि वो नहीं दे रहे हैं, और वो उनकी जो डिमांड्स है वो आप पूरी इस टाइम नहीं करोगे, मुझे ये लग रहा है। मैरिड अगर आप हैं तो आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन। ये इंसान आपको खुश करने के लिए इस टाइम बहुत एफर्ट्स लगाएंगे, छोटी छोटी खुशियां आपके साथ ये इंसान देखेंगे और ट्राई करेंगे कि आपको छोटी छोटी खुशियां दे। अगर कुछ खाने का मन है तो आपको कुछ डिश बना के देंगे, कहीं जाने का मन है आपको ट्रैवल करा लेके जाएंगे, कहीं घूमने का मन है तो आपको लेके जाएंगे, छोटी छोटी विशेज जो हैं वो आपकी पूरी करने की बहुत कोशिश करेंगे इंसान, आपको खुश रखने की कोशिश करेंगे। बेसिकली आपकी एनर्जी जो मैं देख रही हूँ, आप बहुत सेल्फ लव, सेल्फ केयर, सेल्फ ग्रोथ में फोकस्ड हैं आप, और अपने ऊपर आपका ज़्यादा ध्यान रहेगा इस टाइम पे, अपने फाइनेंस को कैसे ग्रो करें इस पे ज़्यादा फोकस होगा आपका, ऐसा दिख रहा है मुझे। और कहीं ना कहीं कोई क्राइसिस भी हो सकती है आप दोनों को, या तो फीलिंग्स, या तो फिर फीलिंग्स आपकी क्राइसिस हो सकती है, मतलब आप इनके लिए उतना फील नहीं करेंगे, ऐसा हो सकता है, और या फिर फाइनेंशियल कोई इश्यूज हो सकते हैं इस टाइम पे, ऐसा लग रहा है मुझे। सो मुझे आप भागते हुए और आपके पार्टनर आपके पीछे भागते हुए दिख रहे हैं मुझे इस टाइम पे, ठीक है। क्रश के लिए अगर आप देख रहे हैं तो आपके क्रश के साइन हो सकते हैं एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। लियो मुझे बहुत स्ट्रांग दिख रहा है यहाँ पे, ये इंसान आपको प्रपोज कर सकते हैं इस टाइम पे, कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है आपको, और आप भी अपना प्यार एक्सप्रेस करते दिख रहे हैं। सो दोनों ही इस टाइम अपना प्यार एक्सप्रेस करेंगे एक दूसरे से, और स्ट्रेंथ में आ रहे हैं। बहुत दिन से अगर आप सोच रहे हो प्रपोज करना है या फिर कोई कमिटमेंट चाहिए अपने पार्टनर से, या फिर नहीं मिल रहा आपको, तो ये वो टाइम है जब आप भी अपना प्यार एक्सप्रेस करेंगे और आपके क्रश भी आपको प्रपोज करते, आपको लव प्रपोजल देते, कोई गुड न्यूज़ देते मुझे ज़रूर दिख रहे हैं यहाँ पे। ओके सिंगल्स अगर आप हैं तो आपके साइन हो सकते हैं लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, टॉरस, मुझे बहुत स्ट्रांग दिख रहा है यहाँ पे, मुझे बहुत प्रैक्टिकल होते दिख रहे हैं इस टाइम पे आप। एक प्रैक्टिकल डिसीजन लेना है आपको अपने मैरिज के लिए हो सकता है, और मैरिज के लिए में भी आप पार्टनर आप खोज रहे हो, ऐसा हो सकता है, और ट्रस्ट इश्यूज़ है आप में, इसलिए आप इमोशन इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो अपना, इमोशनली आप किसी से इन्वॉल्व होना नहीं चाहते हो, आप एक पार्टनर चाह रहे हो जो कि आपको मैरिज के लिए आगे आपके लाइफ में जो आपके साथी बने, आप वैसे कोई पार्टनर को तलाश करते मुझे दिख रहे हैं, लेकिन बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच आपका रहेगा इस टाइम पे, और इमोशंस आप इन्वेस्ट नहीं करना चाहोगे। सो इस टाइम में मुझे कोई इंसान आपकी लाइफ में आता नहीं दिख रहा है, और अगर कोई इंसान आएगा भी तो एक चीटिंग की एनर्जी होगी आपकी, तो इस टाइम बेटर है कि जो भी इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है उसको आप मौका ना दे, ताकि आपको कोई बिट्रे ना झेलना पड़े। ओके सो बी वेरी केयरफुल दिस टाइम, अगर इस टाइम कोई आपके लाइफ में कोई पार्टनर की एंट्री हो रही है तो फ्रेंडशिप कर सकते हैं आप, बट आप रिलेशनशिप में अगर जाएंगे तो आपको एक चीटिंग की एनर्जी उनसे मिल सकती है, फिर ट्रस्ट इश्यूज आप दोनों के बीच हो सकते हैं बहुत ज़्यादा। ओके सो ये थी आपकी पर्सनल लाइफ, अब हम चेक करेंगे ओवरऑल लाइफ में आपके क्या कुछ एक्सपेक्टेड है इस टाइम। मैन प्लीज गाइड मेरे कर्क राशि वाले व्यूवर्स की ओवरऑल लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है इस टाइम डिवाइन। बिजनेस, करियर, फाइनेंस, हेल्थ में क्या एक्सपेक्टेड है डिवाइन। 16 सितंबर टू 30 सितंबर डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज, वन मोर टाइम प्लीज। Over all life.
ओवरऑल जो एनर्जी है ना आपकी, बॉटम ऑफ द डेक जो है वो सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी है. एक रीयूनियन, एक गेट टुगेदर ज़रूर दिख रहा है मुझे. आपके चाइल्डहुड फ्रेंड से हो सकता है, आपके पार्टनर से हो सकता है, कोई फैमिली मेम्बर्स जो बहुत सालों से नहीं मिले हैं उनके साथ हो सकता है. सो एक रीयूनियन मुझे ज़रूर दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है. ओवरऑल लाइफ में आप फाइट करने के लिए रेडी हैं मुझे ऐसा दिख रहा है. अगर पहले आपकी एनर्जी ऐसी थी कि आप डरते थे कोई रिस्क लेने में या फिर कोई एक्शन लेने में, कहीं इन्वेस्टमेंट करने में या फिर किसी रिश्ते में एफर्ट लेने में, सो इस टाइम आप में वो हिम्मत आएगी ताकि आप जो भी चाह रहे हो, जहां एक्शन लेना चाह रहे हो वहां आप एक्शन ले पाओ, जहां फाइट करना चाह रहे हो वहां फाइट कर पाओ. सो फाइनेंशियल इश्यूज़ अगर आपको हैं तो वहां आप आपकी स्ट्रेंथ आएगी और आपको समझ आएगा कि कैसे आपको फाइट करना है और सिचुएशंस को कैसे आपको बेटर करना है. अपने फाइनेंशियल इश्यूज़ या फिर पर्सनल इश्यूज़ जो भी हैं आपके लाइफ में इश्यूज़, वहाँ आप फाइट करने के लिए आपको एक स्ट्रेंथ मिलेगी. ओवरऑल आपकी एनर्जी इस टाइम पे ऐसी रहेगी, ठीक है. करियर में मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको कोई ऑफ़र मिल सकता है और ये ऑफ़र जो है इसको लेके आप बहुत ज़्यादा अपने करियर को ग्रोथ की तरफ लेके जा सकते हो. और इस टाइम पे एक योद्धा की तरह अपने करियर को आप चेंज करना चाहोगे. जो भी चीज़ें आपने पास्ट से सीखी हैं या जो एक्सपीरियंस आपने लिया है अपने पास्ट से, आप उस सब को अप्लाई करके इस टाइम अपने करियर को बेटर एक पोजीशन में लेके आओगे, मुझे ऐसा लग रहा है. ओके, सो एक ऑफ़र मिलता दिख रहा है आपको. या तो ये बिज़नेस का ऑफ़र हो सकता है या फिर कोई जॉब ऑफ़र हो सकता है. कुछ ना कुछ ऑफ़र ज़रूर मुझे दिख रहा है यहाँ पे, जिसका कि आप बहुत दिन से वेट कर रहे थे और आपको पता है कि इस ऑफ़र को कैसे आपको यूज़ करना है और कैसे यूटिलाइज़ करके इसको बेटर वे में लेके जाना है. इस टाइम आपको बहुत ज़्यादा आइडिया आएंगे अपने करियर को बेटर करने के लिए, ठीक है. हेल्थ मुझे दिख रहा है कि कुछ इश्यूज़ अगर आपके थे तो वो रिकवर हो सकते हैं इस टाइम पे. और इस टाइम आप थोड़े से इमोशनली आप थोड़े से स्टेबल दिख रहे हैं मुझे. किसी ऑफर को लेके स्टेबल हैं आप इमोशनली, या फिर इमोशनली फुलफिल्ड हैं आप, जिससे आपका हेल्थ जो है वो बेटर दिख रहा है मुझे, ठीक है. ऑब्स्टिकल क्या रहेंगे इस टाइम पे? कोई क्राइसिस हो सकती है, फाइनेंशियल क्राइसिस या फिर कुछ भी ऐसे क्राइसिस हो सकती है आपको, जो कि मुझे कर्मा से रिलेटेड दिख रहा है. और एक होनी दिख रही है जो कि होना है, ठीक है. सो कर्मा से रिलेटेड दिख रहा है मुझे. कुछ ना कुछ कर्मा आपके रहे हैं जो कि इस टाइम आप थोड़ा सा फेस कर सकते हैं इसको, क्योंकि राहु और केतु परिवर्तन हो रहा है और राहु और केतु परिवर्तन के टाइम पे अपने एक्शंस पे बहुत फोकस होना चाहिए, अदरवाइज चीज़ें बहुत ख़राब हो जाती हैं. सही से इनकम करना, दान दक्षिणा करना इस टाइम बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, ताकि ये चीज़ें जो हैं वो आपको इफ़ेक्ट ना करें, ठीक है. आपके कर्मा जो हैं पुराने पिछले जन्म के हो सकते हैं, जन्म के हो सकते हैं, कुछ कर्मा जो कि इस टाइम आपको इफेक्ट ना करें. ओके, ये ऑब्स्टिकल है इस टाइम. कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट आपके साथ हो सकते हैं जो कि अनप्लेजेंट होंगे, जो कि इतने सही नहीं होंगे, आपको इतने अच्छे नहीं लगेंगे. एक चेंज दिख रहा है, एक बिग शिफ्ट दिख रहा है मुझे करियर में. फाइनेंस में हो सकता है ये चेंज, कोई रिश्ते में हो सकता है ये चेंज. ओवरऑल आपकी लाइफ में कहीं भी एक अनएक्सपेक्टेड चेंज होगा, जो कि मुझे इनिशियल पीरियड के लिए अगर आप देखोगे तो वो चीज़ें इतनी आपको सही नहीं लगेगी, इतनी आपको उसकी एनर्जी जो है वो आपको थोड़ी सी शेक कर सकती है, इतनी अच्छी नहीं लगेगी आपको. लेकिन लॉन्ग रन के लिए वो मुझे प्रॉफिटेबल दिख रहा है. सो अगर फाइनेंस में कोई दिक्कत आ रही है तो भी लॉन्ग रन के लिए मुझे दिख रहा है कि प्रॉफिट हो सकता है आपको. अगर अभी कोई प्रॉब्लम हो भी रही है, कोई रिलेशनशिप अगर है तो अभी अगर ख़राब हो भी रही है, तो लॉन्ग टर्म के लिए ये रिश्ता जो है वो स्टेबल दिख रहा है मुझे, ठीक है. तो जहाँ भी आपको थोड़ी सी शेकिंग एनर्जी जहाँ दिख रही है, वहाँ अभी के लिए वो प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन बाद के लिए वो बस सही हो जाएगी, बहुत सही हो जाएगी, ठीक है. एक रीयूनियन मुझे ज़रूर दिख रहा है यहाँ पे अपने आपके, यस रीयूनियन फॉर श्योर. पार्टनर के साथ हो सकता है या फिर किसी चाइल्डहुड फ्रेंड के साथ हो सकता है या फिर किसी फैमिली मेम्बर्स के साथ हो सकता है, जिससे कि आप बहुत दिन से मिलना चाह रहे थे, नहीं मिल रहे थे उनके साथ, ठीक है. एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, हम ये चेक करेंगे. डिवाइन प्लीज़ गाइड. Please guide for my cancers for their personal life divine. One more time, please. रिमेन पॉजिटिव. आपको पॉजिटिव रहना है चाहे कुछ भी हो, ठीक है. कितने भी प्रॉब्लम्स आएँ पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव अफर्म कीजिए, ताकि पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करो आप. इम्प्रूविंग हेल्थ, मैंने बोला ना, कुछ अगर प्रॉब्लम थी भी आपकी तो इस टाइम आपकी हेल्थ जो है वो बहुत इम्प्रूव होते दिख रही है, बहुत सही होते दिख रही है. आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स.
अपने डिवाइन से, अपने स्पिरिट गाइड से, अपने एंजल से हेल्प मांगे ताकि वो आपको हेल्प कर पाए। मेडिटेशन में बैठे उनसे कनेक्ट करें और जो भी हेल्प आपको चाहिए उनसे मांगे, वो आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। सो माई डियर कैंसर्स, दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आप लोगों को इस रीडिंग से। मिली है तो लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें ताकि फ्यूचर अपडेट्स आप मिस ना करो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।